है व्हाट्सअप गाइस, किस आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई सबसे पहले तो सलमान भाई को भाई जन्मदिन की मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। आप जियो हजारों साल एंड ऐसे ही मूवी बनाते रहो। भाई सलमान खान का बर्थडे, मैं सोच रहा था किस तरीके से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। उसके बाद मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता सलमान भाई के बर्थडे को इंजॉय करने के लिए कि उनकी एक मूवी के बारे में बात की जाए। उस मूवी का नाम है बजरंगी भाईजान। व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी। आज के टाइम पे बजरंगी भाईजान अगर रिलीज होगी तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। बट सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो मूवी है, सलमान भाई का नाम पहले बजरंगी होता है, उसके बाद लास्ट में जब क्लाइमेक्स आता है ना, उनका नाम बजरंगी भाईजान हो जाता है, ठीक है। वो बजरंगी भाईजान पे हिंदुओं मुसलमानों सब सलमान खान को चीयर अप करते हैं एंड भाई बजरंगी भाईजान करके चिल्लाते हैं। वो मूवी क्या चली थी वो तो आपको भी पता है, सलमान खान के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है बजरंगी भाईजान। उस मूवी में एक सॉन्ग आता है सलमान भाई का, एंट्री सॉन्ग और सेल्फी है ना, बजरंग बली हनुमान जी, उसके ऊपर से जो गाना है वो गाने के ऊपर हर मुसलमान भी मतलब यार वाह वाह किया था। हर मुसलमान ने उसको इंजॉय किया था उस गाने को, बिकॉज सलमान भाई ने वो जो सेल्फी वाला जो सॉन्ग है उस पर जिस तरीके से भाई वो डांस किया था, जिस तरीके से इंजॉय किया था उस गाने को हमने, हर मुसलमान ने भी किया था, हिंदू ने भी किया था। वो खूबसूरती थी उस गाने की। उसके बाद क्लाइमेक्स में आते 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 एक और कव्वाली आती है ना, भर दो जोलिया मेरी मोहम्मद। भाई वो कव्वाली को हर हिंदू भाइयों ने इंजॉय किया, मतलब ओवरऑल आप उस मूवी को देखते हो, मूवी पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लिए थी, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए थी। बिकॉज वो मूवी इतनी खूबसूरत थी, मतलब इतनी ज़बरदस्त मूवी थी, उसको हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सारे के सारे लोग बैठ के इंजॉय किए थे। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, मतलब यार वो बजरंगी भाईजान क्या सुवेग था उस मूवी का, क्या मतलब यार ज़बरदस्त, क्या प्यारी मूवी थी, क्या प्यारा मैसेज था, नॉट ओनली फॉर हिंदुस्तान, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हमारे जो पॉलिटिक्स वाले होते जो राजनेता है उन लोगों के लिए। कितना खूबसूरत मैसेज था उसके अंदर, हर एक चीज़ इतनी प्यारी थी, इमोशंस हर एक चीज़ इतनी प्यारी थी। बट मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि मूवी आज के टाइम पर रिलीज होती तो क्या होता, आज के टाइम पर अगर ये मूवी रिलीज होती ना, सबसे पहले ये बजरंग दल वाले या फिर बीजेपी वाले कुछ लोग सबसे पहले खड़े हो जाते कि भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी प्यारी किस तरह हो सकती है, पाकिस्तान की आवाम इतनी प्यारी किस तरह, आप पाकिस्तान को इतना अच्छा कैसे दिखा सकते हो, फलाना ढिंकाना। भाई आज ट्रेलर आएगा ना, कल सलमान खान के पुतले जलाते हो जाएंगे। आज के टाइम पर ये चीज़ कर दी है हमारे हिंदुस्तान की, ये हालत कर दी है, जबकि वो मूवी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी मूवी है। आप सोच सकते हो कि आज के टाइम पे ऐसी मूवी बनानी चाहिए, मतलब बनेगी तो क्या होगा। आप इमेजिन करो ना, एक मूवी आई थी टाइगर जिंदा है, उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान के जो रो एजेंट्स आप उनको इतना अच्छा कैसे दिखा रहे हो, मतलब ये हालत कर दिए हमारे हिंदुस्तान की, आप पाकिस्तान को इतना अच्छा क्यों दिखा रहे हो। वहाँ पर पाकिस्तान की आवाम जो है, वहाँ पर कुछ ऑफिसर से उनको अच्छा, उनको जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से एक प्यारा सा मैसेज दिया है मिलजुल के रहने के लिए, इतना प्यारा मैसेज दिया है उस मूवी के अंदर। तो भाई आज के टाइम पे अगर ऐसी मूवी बनेगी ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मूवी आज रिलीज करोगे, ट्रेलर आज रिलीज करोगे, कल के दिन सलमान खान के पुतले जलाएंगे लोग, मतलब ये हालत कर दी हमारे हिंदुस्तान की। बट अगर आप आज से 7-8-10 साल पीछे जाते हो तो ये सारी की सारी जो मूवीज है लाइक का बजरंगी भाईजान जैसी, अरे यार क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या यार क्या धर्म, क्या आज के टाइम पे आप रंग के लाम पे लड़ रहे हो, फलाना ढिंकाना हिंदू मुस्लिम, ये खान वाले मुसलमान के हीरो, अक्षय कुमार हमारा हीरो, ये जो आपने डिवाइड कर दिया है, आज से 8-10 साल पहले सब कुछ नहीं था यार। मतलब सलमान खान की मूवीज मेरे को भी पता है, बॉडीगार्ड, रेडी, दबंग एंड XYZ। यार रेडी की मेरे को भी याद, में देखने गया था, मेरे को टिकट नहीं मिली थी, हाउसफुल फर्स्ट डे शाम का शो था, मतलब ये चीज़। उसके बाद आप कोई भी मूवी की बात करो ना यार, सारे के सारे लोग बैठ के देखते थे यार, आराम से यार, मतलब हिंदू मुस्लिम सब लोग बैठ के देखते थे, ये खूबसूरती थी यार। बट आज के टाइम पर जो चीज़ हो रही है बहुत ही बकवास हो रही है यार, बहुत ही बकवास, समझ नहीं आता इसका सॉल्यूशन क्या है। एंड भाई आप बताओ यार, बजरंगी भाईजान आपको कैसी लगी थी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड वो मूवी जिस खूबसूरती से बनाई गई थी, जिस तरीके से एक प्यारा मैसेज दिया गया था, सलमान खान ने एक ही मूवी के अंदर बजरंगी का भी रोल किया, भाईजान का भी रोल किया, बजरंगी भाईजान वो सेल्फी ले लो सॉन्ग एंड उसके बाद वो कव्वाली जिस तरीके से एंजॉय किया था, हिंदू भाई ने कव्वाली को एंजॉय किया, हम लोगों ने सलमान भाई की एंट्री को एंजॉय किया है ना, मुन्नी के साथ हर एक चीज इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत तरीके से थी। वो मूवी के बारे में प्लीज बताओ आपको कैसी लगी थी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड ये भी बताना, ये बजरंगी भाईजान मूवी अगर आज के टाइम पे बनती तो आज के टाइम पे क्या सीन बनता था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड सलमान भाई की भाई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी कोई है ना मेरी, तो डेफिनेटली बजरंगी भाईजान है। एंड सलमान भाई को फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे एंड भाई बजरंगी भाईजान जैसी मूवी एक बार फिर से बनती है, बनाओ यार बनाओ। पब्लिक जनता जनार्दन जो है ना, वो समझती है कि यार आपने हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा को क्या दिया है,
क्या डिजर्व करते हो आप। घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोग डिवाइड कर दे, ये कर दे, वो कर दे, कुछ भी कर दे, हम नहीं सपोर्ट करेंगे एक्स वाई जेड फलाना ढिंगाना। भाई हम सपोर्ट करेंगे जो अभी तक वो बोलते ना, सलमान शाहरुख भाई ने जो बोला पॉजिटिव, लोग जब तक जिंदा है ना तब तक भाई शाहरुख खान को भी सपोर्ट करेंगे, सलमान खान को भी करेंगे, जब आमिर खान आएंगे ना तो उनको भी सपोर्ट करेंगे। बिकॉज भाई जो आप लोगों ने जो दिया है ना इंडस्ट्री को, वो भाई कुछ अलग ही है यार। सो डेफिनेटली एंड बजरंगी भाईजान के बारे में कुछ वर्ड्स बता दे जाना, आपको मूवी कैसी लगी थी, एंड प्लीज ये भी बताना कि भाई वो मूवी आज के टाइम पे बनती है तो क्या होगा, प्लीज ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।